नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक हेल्थ समाधान में। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया है कि मिस्टर डी पोजीशन में कितनी वेरिएशंस हो सकती हैं, ताकि आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो इंटरनल लाइफ है, आपकी जो देखा जाए तो जो आपकी दंपत्ति जीवन है, जो आपका वैवाहिक जीवन है, उसमें एक वेरिएशन आ सके, उसमें एक प्यार आ सके, एक उमंग आ सके। तो दोस्तों, अब आज हम आपको उसके आगे के पार्ट्स की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि अब मिशनरी पोजीशन में और भी ऐसी कौन सी पोजीशन हो सकती है या भी ऐसे कौन से वेरिएशन हो सकते हैं जो आपको आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा उमंग दे सकती है, तरंग दे सकती है, उत्साह दे सकती है। दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, अब जो पोजीशन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रॉक एंड रोल पोजीशन। जी हाँ, रॉक एंड रोल, जैसा कि नाम में बताया जा रहा है, रॉक एंड रोल पोजीशन में आपको क्या करना है, जो आपकी पार्टनर है, जो आपकी फीमेल पार्टनर है, वो बिल्कुल लेटी हुई हैं और उनको अपने दोनों पैर हवा की तरफ उठा लेने हैं, उनको अपने दोनों पैर हवा की तरफ उठा लेने हैं और आपको इंटरनली उन्हें काफ़ी सेटिस्फाइड करना है, काफ़ी सुख देना है। तो ये इसका नाम रॉक एंड रोल इसलिए पड़ा क्योंकि फिर इंसान एक उन्मुक्त स्थिति में आ जाता है, एक खो जाता है, एक ऐसे परिवेश में, एक ऐसे मौसम में, एक ऐसे माहौल में खो जाता है कि उसको कुछ याद ही नहीं रहता। वो भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से तरोताज़ा फील करती हैं खुद को और आप भी फील करते हैं, तो इसलिए इस पोजीशन को हम रॉक एंड रोल पोजीशन कह सकते हैं। जी हाँ, मिशनरी पोजीशन में ये जो रॉक एंड रोल पोजीशन, ये पहली पोजीशन है और ये आपको एक उन्मुक्त आनंद प्रदान करती है। अब चलते हैं दोस्तों हम दूसरी पोजीशन की तरफ। ये जो दूसरी पोजीशन है वो है सिटिंग बुल की पोजीशन। सिटिंग बुल की पोजीशन में आपको क्या करना है, जो आपकी मैडम हैं या जो आपकी फीमेल पार्टनर हैं, जो आपके जो फीमेल पार्टनर हैं, उन्हें पहले तो उन्हें सीधे ऐसे लेटने को बोल देना है और आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल बैठ जाना है सामने की तरफ से। आपको जब सामने की तरफ बैठ जाना है और वो जब लेटी हुई हैं तो उनको आप क्या करेंगे कि उनका जो पैर है वो आपके कंधे की तरफ आना चाहिए। आप फिर से देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, आप जो पिक्चर्स हैं आप इसमें एक बार गौर से देख सकते हैं, फिर भी मैं बोल रही हूँ आपको कि आप सामने पहले अपनी मैडम को लिटा दीजिए, अपनी फीमेल पार्टनर को लिटा दीजिए, उनको बोलिए कि वो अपने दोनों पैर आपके कंधे पे रखें, ठीक है, और आप सामने बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो इसको आप एक तरीके से सिटिंग बुल पोजीशन कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये रही आपकी सेकंड पोजीशन जो है सिटिंग बुल पोजीशन। दोस्तों, जो तीसरी पोजीशन है वो है लेग ग्लाइडर की। लेग ग्लाइडर की पोजीशन में वो करवट लेकर के लेट जाती हैं एक तरफ और उनका जो नीचे का पैर है वो मुड़ा हुआ है और आप उनके ठीक सामने होते हो। वो करवट लेती हैं यूँ, ऐसे ये समझ रहे हैं, वो ऐसे करवट लेकर के लेटती हैं, उनका जो एक पैर है वो मुड़ा हुआ है। फिलहाल आप पिक्चर देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, उनका एक पैर मुड़ा हुआ है और एक पैर ऊपर की तरफ है और आप ठीक फ्रंट से, आप फ्रंट से पूरी ताकत के साथ आप फ्रंट से यूँ पुशअप करते हो, लेकिन उनका जो पोजीशन होता है वो यूँ होता है, ठीक है। तो ये रही आपकी लेग ग्लाइडर की पोजीशन। दोस्तों, ये है तीसरी पोजीशन, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा और अगर आप वेरिएशन बनाने के लिए अगर आप ये पोजीशन लगातार ट्राई करते रहेंगे तो आपकी जो मिशनरी पोजीशन है ये कभी भी आपको बोर नहीं होने देगी, ठीक है। अब चलते हैं अपनी चौथी पोजीशन पे, द लॉन्च पैड। द लॉन्च पैड में आपको क्या करना है कि आपकी जो पार्टनर है वो सीधे लेटी हुई हैं, बट वो ये सीधे लेटी हुई हैं लेकिन जो उनका पैर है वो यूं यूं करके ये है, एक वी का शेप बना रहा है उनका पैर। द लॉन्च पैड में वो लेटी हुई हैं, ये पोजीशन आ रही है, ठीक है, आप पिक्चर्स देख सकते हैं, फिर भी वो ये लेटी हुई हैं, ऐसे 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 उनका पोजीशन आ रहा है और आप ठीक सामने हैं लेकिन उनका जो पैर है, जो पैर के दोनों पंजे हैं वो आपके सीने पर आ रहे हैं, वो आपके सीने को पुशअप कर रहे हैं, इसीलिए इसको द लॉन्च पैड कहा जाता है क्योंकि उनके पैर से आपके सीने पे एक दबाव पड़ने का चांस है और आप अपने आपका जो बॉडी है, आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से पुशअप करते हैं तो उन्हें भी एक मतलब रोमानियत का एहसास होता है और आपको भी एक रोमानियत का एहसास होता है। तो ये जो द लॉन्च पैड है इसका भी आप इस्तेमाल कीजिएगा, ये चौथी पोजीशन है। दोस्तों, यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपके पास ऐसे सवाल हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, होते हैं, आज कल की इतनी ज़्यादा रश भरी लाइफ है, इतनी ज़्यादा टेंशन है लोगों के रिलेशनशिप में, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा टेंशन है लोगों की लाइफ में, तो आपको क्या करना है, यदि आपके पास कुछ भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कनेक्ट होने के लिए कॉल मी फॉर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और स्क्रीन पर दी हुई आईडी को अच्छे से देखिएगा और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से।
दोस्तों आप हमें कॉल कीजिएगा, हमें आपके कॉल का इंतजार रहेगा और आपको ये जो पोजीशन है ये कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं अपनी पांचवी पोजीशन पे। जो पांचवी पोजीशन है यह है स्प्लिटिंग बम्बूस। बम्बूस का मतलब होता है कि एक जैसे बांस का पेड़ जैसे होता है उस तरीके से, बम्बूस का मतलब हो गया बांस का पेड़। तो आपको क्या करना है कि आपकी पार्टनर एकदम फ्रंट ऐसे नहीं लेटी है, ऐसे लेटी है, ऐसे लेटी है और उनका एक पैर एकदम सीधे आसमान की दिशा में है, उनका एक पैर एकदम सीधे आसमान की दिशा में है और एक पैर यूं सीधे कैंची की तरीके सामने की ओर चला गया है। अब आप फ्रंट से आते हैं और आप उन्हें पुशअप करते हैं, तो आपको क्या करना है ऐसी पोजीशन में अपने हाथों से उनके पैर को पकड़ना भी है, क्योंकि आप जो रहेंगे आप फ्रंट पे रहेंगे तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर आएगा उनके दोनों पैरों के बीच में आएगा। तो मिशनरी पोजीशन में सेटिंग बम्बूज भी एक बेहतरीन पोजीशन है और वो जब लेटेंगी तो उन्हें अपने आप को, अपने सर को बिल्कुल अपनी कोहनी के ऊपर ऐसा टिका करके रखना है, बिकॉज तभी वो आप का पुशअप थोड़ा सा बर्दाश्त कर पाएंगे, बिकॉज अदरवाइज तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सिटिंग बम्बूज में उन्हें चोट लगने के खतरे थोड़ा सा ज़्यादा हैं, आप इसको समझिएगा। तो जब तक वो अग्री ना करें, उनकी एक सहमति लीजिएगा, जब तक वो अग्री ना करें आप इस पोजीशन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि खतरनाक पोजीशन है। ये आपके संबंधों में मधुरता तो बनाती है लेकिन उनको चोट लगने के चांसेस भी हैं। तो जहाँ तक हो सके अगर वो अग्री हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच इंटरनल रिलेशनशिप है, तभी इसको अपनाइए, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि इसका इस्तेमाल कम कीजिए। बट वेरिएशन बनाने के लिए, अपने रिश्ते में मिठास बनाने के लिए इस पोजीशन का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।